बात करते हैं रायबरेली की, जहां डलमऊ चतुर्थ क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य अशोक यादव की, जो कि क्षेत्र में विकास के साथ साथ अपनी सादगी के लिए विख्यात हैं। अपने जिला पंचायत सदस्य के कार्यकाल में एक साल के अंदर जो काम अशोक यादव ने कर दिखाया है, वो पूर्व के प्रतिनिधियों के लिए किसी सपनों सरीखे से कम नहीं रहा। कड़ी धूप हो या सर्दी, बरसात सदैव अपनी जनता के सुख दुख में शामिल होने का बीड़ा भी उठाया है और एक मिसाल भी पेश की है। अशोक यादव का प्रयास है कि डलमऊ चतुर्थ क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम सभा तक जिला पंचायत निधि से चहुमुखी विकास कराना। अशोक यादव के द्वारा कराए गए विकास कार्यों में देश की आजादी के बाद से आज तक डामर गिट्टी से वंचित रहा उधनपुर मटियारा संपर्क मार्ग आज बनकर तैयार होने से क्षेत्र की जनता में खुशी की लहर दौड़ गई है। इंटरलॉकिंग विकास कार्य में रामपुर बरारा में शेर बहादुर की होटल से राज बहादुर फौजी के दरवाजे तक 180 मीटर, बीवनहार में रज्जन मास्टर के घर से हनुमान मंदिर तक 60 मीटर व कुढ़ाचक सगुनपुर से तारापुर बांसी तक 1300 मीटर की डामरीकृत से विकास कार्य कराकर क्षेत्र में विकास के नए आयाम को स्थापित किया है। क्षेत्र की जनता का कहना है कि नेता हो तो अशोक भैया जैसा, जो कि काम तो करा ही रहे हैं, साथ ही साथ सुख दुख में भी शामिल होते हैं। विराट 24 के लिए रायबरेली से श्रवण कुमार की रिपोर्ट। आवाज मेरे हिसाब से बना दे भैया, आवाज बढ़िया फर्स्ट क्लास बना वीडियो। पापा मजदूरों के सबका ले लिया कि देखा लगे हैं कि नहीं लगे? पूरे मन से कर रहे हैं भाई जी,